कंबाइंड पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2023 की काउंसलिंग कल से अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाने जा रही है। सीट मैट्रिक्स आ चुकी है, सीट मैट्रिक्स आइए हम देख लेते हैं। और काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, काउंसलिंग की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हो गई है और पहले अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग फ़ीस हुआ करती थी। अगर हम बात करें UPMS की, तो UPMS की फ़ीस जो है लगती थी अप्रॉक्स 29,300 रुपये विद हॉस्टल लगती थी, लेकिन इस बार फ़ीस 29,300 रुपये नहीं रहने वाली है, फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अगर वहीं हम बात करें जो कॉलेज झांसी मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ की भी फ़ीस काफ़ी कम थी। जो फ़ीस थी सैफई कितनी फ़ीस थी झांसी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस, जो वहाँ पे पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है, लेकिन वहाँ की भी फ़ीस एकदम ज़्यादा हो गई है और काफ़ी ज़्यादा फ़ीस हो गई। इतनी फ़ीस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फ़ीस अगर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फ़ीस हो गई। जैसा कि अभी हमने ब्राउज़र पढ़ते समय इन्फॉर्मेशन लिया, तो फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हो गई। आइए हम देख लेते हैं और आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। पहले हम सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, सीट किस कॉलेज में कितनी सीट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉलेज का नाम पहले हम जान लेते हैं। स्टार्टिंग के जो चार कोर्स हैं UPMS के कोर्स हैं BPT, BMLT, BRIT, BAPTO, ये चार कोर्स UPMS के हैं। इसके बाद दो कोर्स हैं जो कि ये बनारस में कॉलेज है, वाराणसी में कॉलेज है, भावा का ये कॉलेज है जो है, तो यहाँ पे कोर्स है BMLT है और ऑपरेशन थिएटर है। इसके बाद KGMU में एक कोर्स है, BSc इन रेडियोथेरेपी है। इसके बाद LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियो ऑपरेशन थिएटर का एक कोर्स है। तो ऑपरेशन थिएटर का ये कोर्स है, यहाँ पे सीट्स की संख्या हम देख लेंगे। SGPGI के अंदर ये कोर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये SGPGI के अंदर कोर्स हैं। इनमें सीट्स लगभग वही 12 और 10 सीट के अप्रॉक्स जो है SGPGI के अंदर है। तो टोटल सीट्स की अगर हम बात करें, टोटल सीट्स कितनी है, क्योंकि यही टोटल गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बाकी ये झांसी वाला गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे जो कोर्स रन हो रहे हैं वो BMLT रन हो रहा है, BRIT और फिजियोथेरेपी, ये तीन कोर्स जो रन हो रहे हैं झांसी में। यहाँ की फ़ीस, इसके बाद बात करें UPMS की फ़ीस, एकदम एग्जैक्ट सेम थी, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा फ़ीस महंगी हो गई है। और यहाँ पे देखेंगे जो महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज, ये झांसी में कॉलेज है, पहले अलग एंट्रेंस करवाता था, लेकिन इस बार जो है अटल बिहारी से ऐड हो गया। तो गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल सीट्स की संख्या कितनी है और किस कैटेगरी में कितनी सीट्स है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है किस कैटेगरी में कितनी सीट्स है। तो टोटल सीट्स की संख्या 456 है, टोटल सीट्स की संख्या 456 टोटल सीट्स है, 456 सीट टोटल है। 456 सीट काफ़ी ज़्यादा होती, बहुत सीट होती 456। 456 की अगर हम बात करें तो लगभग, अगर हम OBC की बात करें तो कम से कम ओवरऑल रैंक 800 होगी तो आराम से कॉलेज मिल जाएगा। 456 नंबर मतलब ओवरऑल रैंक जो है 800 तक जो है आराम से कॉलेज मिल, क्योंकि इसमें बहुत स्टूडेंट होंगे जो BSc नर्सिंग में चले जाएंगे, कुछ होंगे जो GNM जो मेरिट बेस हो रहा उसमें चले जाएंगे, जो है जिनकी ठीक ठाक मेरिट होगी 85% होगी वो उसमें ही चले जाएंगे। इसके बाद और भी स्टूडेंट होंगे जो नीट में अपना काउंसलिंग करवा लेंगे, BHMS वगैरह ले लेंगे। तो इस प्रकार 800 प्लस ही जाएगा OBC का कट ऑफ हमारे हिसाब से, 800 प्लस अगर जिनके हैं वो आराम से जो है काउंसलिंग करवा सकता। 456 सीट बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, हम तो काफ़ी कम सीट सोच रहे थे, लेकिन इस कॉलेज का सोच रहे थे अलग करवाएगा ये महारानी जो लक्ष्मीबाई है झांसी में कॉलेज है, लेकिन इसी के थ्रू ऐड हो गया है। तो टोटल सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं, ये भी दिया हुआ है यहाँ पे, किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर का कोर्स है ये BMLT, BRIT, BAPTO, ये सैफई के हैं, तो यहाँ पे 60-60 सीट है। इसके बाद 10 सीट है, ये भाभा का कॉलेज है जिसमें 10 सीट है, फिर दूसरा है उसमें भी 10 सीट है। इसके बाद फिर ये KGMU का जहाँ पे 5 सीट है, इसके बाद ये कानपुर का है जहाँ पे 20 सीट है, इसके बाद फिर ये 10 सीट लखनऊ में, ये कहाँ पे है SGPGI में, SGPGI में किसी कोर्स में 10 सीट है, किसी कोर्स में 6 सीट है, और इस प्रकार SGPGI में सीट्स हैं। यहाँ पे आप देखें SGPGI में यहाँ पे सीट्स 20 हो गई है, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जो कि इसकी सीट्स की संख्या कम थी लेकिन ज़्यादा हो गई है। फिर BPT की 10 सीट है, बाकी और नीचे के जितने कॉलेज हैं सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, उसको आप देख सकते हैं। टोटल प्राइवेट कॉलेजों की संख्या इस बार काफ़ी ज़्यादा है, पिछली बार तो काफ़ी कम थी प्राइवेट कॉलेज की संख्या, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा है। और प्राइवेट कॉलेज की भी फ़ीस दिया हुआ है, किस प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस है,
और क्या सुविधाएं इसकी, सारी फीस वगैरह यहाँ पे दी हुई है। और प्राइवेट कॉलेज की अधिक जानकारी के लिए आप जो है प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में जिसमें आपको एडमिशन लेना हो उसमें आप डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ लीजिए प्राइवेट कॉलेज में। और यहाँ पे सिर्फ सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और फीस का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट कॉलेज का नहीं दिया हुआ है। टोटल गवर्नमेंट के 19 कॉलेज ऐड हैं, 19 कॉलेज गवर्नमेंट के जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू इस बार काउंसलिंग करवा रहे हैं पैरामेडिकल्स की। और फीस की डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी आइए हम देख लेते हैं। काउंसलिंग गाइडलाइन एंड इन्फॉर्मेशन ब्राउजर 21 तारीख को यानी कल से काउंसलिंग स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होगा, दो ही राउंड होगा, एक फर्स्ट राउंड होगा, इसके बाद मॉपअप राउंड होगा। इसके अलावा कोई राउंड यहाँ पे कोई और काउंसलिंग नहीं होने जा रही है। मिनिमम एज आपकी 17 साल वगैरह ये तो होती है आपकी, ये होनी चाहिए काउंसलिंग के लिए। अब ये सारा प्रोसेस जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ही कंट्रोल होगा। जो भी अलग अलग कॉलेज अपना पहले करवाते थे अब सारा प्रोसेस अटल बिहारी वाजपेयी के ही थ्रू कंट्रोल होगा। ₹500 आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। ₹5000 रिफंडेबल है, ये भी नॉन रिफंडेबल ही होता है, हमने किसी का रिफंड होते हुए नहीं देखा। बहुत से कम स्टूडेंट होते हैं जो रिफंड पाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट का रिफंड होता ही नहीं है। सीट कन्फर्म के बाद आपको ₹40000 देना पड़ेगा, 40,000 ओनली देना पड़ेगा, जो कि आपको जिस कॉलेज में आपको कोर्स अलाट होगा उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ट्यूशन फीस ₹40000 देना पड़ेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा है, पहले इतनी फ़ीस नहीं हुआ करती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने फीस को महंगा कर दिया है, फीस थोड़ा बढ़ा दिया है, इसको आपको समझना पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हो गई, इतनी फ़ीस नहीं लगती थी पहले, लेकिन अब फीस काफ़ी ज़्यादा लगी है, कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा फीस लगने लगी है। अगर वहीं हम बात करें आफ्टर सीट अलाटमेंट कैंडिडेट्स हैज़ टू रिपोर्ट दी अलाटेड कॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिपॉजिट एडमिशन एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, ₹2000 आपको अतिरिक्त फीस देनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के दौरान। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ेगा कॉलेज में एडमिशन के लिए। हमने कई वीडियो में बताया जो EWS OBC का सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2023 के अंदर का ही होना चाहिए। अगर 1 अप्रैल 2023 के अंदर का नहीं होगा तो आपके कैटेगरी से, आप OBC हैं तो आपके OBC कैटेगरी से सीट नहीं मिलेगी, वो जनरल से सीट मिलेगी। EWS से हैं तो EWS से सीट नहीं मिलेगी आपको, EWS जनरल से हैं तो आपको ओपन कैटेगरी से सीट मिलेगी। ध्यान से सुने, अब तो बन सकता नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा पश्चाताप कर सकते हैं अगर आप नहीं बनवाए हुए हैं तो, क्योंकि हमने कई वीडियो में बताया था और आप सुनते भी नहीं हैं। दो चार कमेंट आ ही जाएंगे कि हमारे पास सर्टिफिकेट बहुत पुराना है, इतने दिन का है, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। 1 अप्रैल 2023 के अंदर का ही होना चाहिए, 30 मार्च का भी नहीं चलेगा। एडमिशन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाने पड़ेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोविजनल सीट्स अलाटमेंट लेटर आपको ले जाना पड़ेगा, 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना पड़ेगा, ₹40000 आपको ले जाना पड़ेगा जो है डिपॉजिट रिसिप्ट इन INR ₹40000, फ़ोटो ID आधार वगैरह आपको ले जाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, 10th 12th की आपको मार्कशीट ले जानी पड़ेगी। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले जानी पड़ेगी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत वगैरह नहीं होती है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो आप जो है एक एप्लीकेशन लिख देंगे, बाद में डॉक्यूमेंट वगैरह आप सबमिट कर देंगे, इसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मेजर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, हाई स्कूल इंटर ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है वो बाद में भी सबमिट हो जाता है, आप एक एप्लीकेशन लिख देंगे और एफिडेविट वगैरह लगा देंगे फिर बाद में सबमिट हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन रही काउंसलिंग से रिलेटेड, कल काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हम आपको बता देंगे, थोड़ा सा अपडेट कर देंगे कौन सा कोर्स कैसा है, एक बार ज़रूर हम बताने का प्रयास करेंगे वीडियो में। और एक किसी स्टूडेंट का हम काउंसलिंग भी कर देंगे तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा किस कोर्स का प्रेफरेंस किस कॉलेज में पहले फिल करें, और ये बताना भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो नए होते हैं उनको पता नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।